are doing well. I'm Ankita and I'm back with another video. And in this video, I'm gonna show you this beautiful smoky eye look which I have created in just 3 steps. And before starting this video, I just want to say ki agar aapko mera ye video pasand aaye to do like, share, comment, subscribe and don't forget to press the bell icon given below. And अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हो और बहुत कुछ और देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ डू चेक इट एंड फॉलो मी ओवर देयर. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So to achieve this look, we just need to follow 3 steps. Those are like mostly I'm gonna use gel eyeliner, which I usually use like brown as well as black. We gonna use both of them. And firstly, I'm gonna use this brown gel eyeliner. तो ये हमारा लाइक बेस बनेगा एंड देन आई एम गोना अप्लाई ब्लैक वन एंड देन द ट्रांजिशन कलर. दैट्स इट, विल बी डन. टेक अ जेनरस अमाउंट ऑफ जेल आईलाइनर ऑन टू ब्रश एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग इट. आपको बहुत ज्यादा भी अप्लाई नहीं करना है, बस इधर नीचे नीचे के साइड में अप्लाई करना है बिकॉज वी गोना ब्लेंड इट एनी हाउ. राइट, तो हम लोगों को कुछ मतलब एकदम अच्छे से हो एंड ऑल वैसा कोई जरूरत नहीं है. बस यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट लाइक रफली बट एट द सेम टाइम जेंटली भी, बिकॉज ये आईज है. अगर आप हार्ड हो जाओगे, हार्शन हो जाओगे तो इट्स गोना हर्ट योर आईज. सो प्लीज बी जेंटल टुवर्ड्स योर आईज. ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इट्स वेरी इजी एंड एज आई सेड कि वी नीड टू फॉलो ओनली 3 स्टेप्स. सो या बहुत ही सिंपल होने वाला है बट देन ब्लेंडिंग अच्छे से करना पड़ेगा. अगर आप ब्लेंडिंग ठीक से नहीं करोगे तो ऑब्वियसली जो कुछ भी आपने किया है वो वेस्ट होने वाला है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ब्लेंडिंग ठीक से करो. एंड ये जेल आईलाइनर है तो मैं इसको ज़्यादा देर ऐसे रख नहीं सकती हूँ बिकॉज ये जल्दी से हार्डन हो जाता है बिकॉज ऑफ बी वैक्स. इट हैज़ बी वैक्स, पता नहीं कितने क्वांटिटी में, बट देन या बी वैक्स से बनता है तो वी नीड टू मेक इट फास्ट. मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया इसके लिए तो या ये हार्डन हो चुका है एंड बिना चाहते हुए भी आई नीड टू बी हार्श टुवर्ड्स माय आईज. तो मेक श्योर आप ऐसा ना करें. एंड वंस आई एम डन विद द ब्राउन शेड, आई एम गोना यूज ब्लैक. तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा एज आई डोंट हैव ब्लैक आई शेडो राइट नाउ. आई एम गोना यूज जेल आईलाइनर ओनली, तो वो भी जेनरस अमाउंट में ही लेना है. बट देन हम लोगों को बस आईलिड के वहाँ ही अप्लाई करना है, ना कि ऊपर के साइड. मेक श्योर कि ये भी आप अच्छे से लाइक जेनरस अमाउंट में ले लो एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग ऑन टू योर लिड्स. Then again blend it. I don't know whether you can see it or not, but is it visible? Yeah, it is, right? तो ये blend ठीक से कर लेना है and यहाँ सूख जाएगा तो मैं मुझे भी जल्दी करना है. जब भी यूज जेल आईलाइनर्स ये थोड़ा सा सूखते ही बहुत मुश्किल होने लगता है, तो मेक श्योर के सूखने ना दे आप एंड लगाते साथ ही आप ब्लेंड करना शुरू कर दे, वरना बहुत हार्ड हो जाता है एंड इट लाइक थोड़ा सा हर्ट होता है आपके आईज को. एंड ये जब भी ब्लेंड हो गया है, ये जब भी ब्लेंड हो जाए देन यू नीड टू स्टार्ट विद द लाइक लाइटर ब्राउन शेड. लाइक टुडे आई एम गोना यूज लाइट ब्राउन शेड. मोस्टली मैं ब्राउन शेड से ही करती हूँ.
So the lighter, see this one, the lighter shade. I'm gonna use this light brown shade hai. And yeah, kabhi bhi ab jab hi brush mein eyeshadow lo, thoda sa dab kar lena so that extra kuch na aaye aapke brush par. So yeah, do that. And then I'm gonna start with the crease line. So you need to blend it properly. See, ये ज्यादा नीचे तक नहीं लाना है, बस अपने क्रीज लाइन पर ही आपको करना है एंड थोड़ा सा नीचे सो दैट वो ब्लेंड हो जाए. जस्ट ब्लेंडिंग पर्पस और कुछ नहीं. तो या यू नीड टू ब्लेंड इट वेल. सो एंड थोड़ा सा लाइक नीचे के साइड भी हम लोगों को कर लेना है सो दैट एक अच्छा सा लुक क्रिएट करे. सिर्फ ऊपर करेंगे फिर नीचे नहीं करेंगे तो वो अच्छा दिखने वाला नहीं है. सो नीचे भी थोड़ा बहुत कर लेंगे. For that thing, I'm gonna use the brush I have used for like a gel eyeliner. जो हमको eyeliner के साथ मिला है, like जो भी like shades मैंने use किए हैं, नीचे भी वही use कर रही हूँ. As you can see, so I'm done with this one and I'm gonna complete this one. Like मैं offline जाकर नेक्स्ट आई भी कंप्लीट कर लेती हूँ. एज आई एम डन विद माय आई मेकअप, आई एम गोना कर्ल माय लैशेस एंड देन अप्लाई मस्कारा एंड देन आई एम गुड टू गो. देन आई विल बी डन. व्हाइल कर्लिंग योर लैशेस आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे पूरे लैशेस अपने इसके अंदर लेकर you just need to hold it for at least 10 seconds or about 15 seconds, like 10 to 15 seconds. फिर उसके बाद ये जब like 10 seconds हो जाएंगे, you just need to start pressing it, like holding it and then pressing it for like few times, maybe for 3 to 4 times or 5 times. Then you are done. I don't know whether आपको दिख रहा है या नहीं, but थोड़ा सा like texture आ जाता है, like curls आ जाते हैं. I guess दिख रहा है, if you can. Then I'm gonna repeat it for this as well. And once you are done with curling your lashes, देखो, I don't know whether you can see or not, but once you are done with curling your lashes, अभी it's like mascara time. तो mascara आप अगर 2 to 3 layers लगाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Like instead of one layer, ज़्यादा लगाओगे तो आपका like लैशेस जो भी है थिक दिखेंगी. तो उस वजह से आप 2 to 3 लेयर्स लगा लेना तो अच्छा लगेगा. एंड आई एम डन. सो या हियर इट इज, आई एम डन विद दिस लुक. So yeah, we are done with this video. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. So until then, take care. Bye bye. See you in the next video. Thank you.